तो राजस्थान सीईटी के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसकी डेट को लेकर और इसमें तीन बड़े बदलाव किए गए हैं उसको लेकर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी ये सोच रहा था कि हम 15 गुणा में शामिल होते ही नहीं है, यहाँ पर बहुत कम बच्चे ले रहे हैं, तो उनके लिए खैर खैर दोस्तों अच्छी खबर आई है। वो तीन बड़े क्या बदलाव हुए हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और इसके फॉर्मों कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके बारे में भी दोस्तों न्यूज आ चुकी है कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल सीटी और 12th लेवल सीटी, इनके फॉर्म कितनी तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, तीन बड़े बदलाव वो बता देता हूँ, उसके बाद में हम चलेंगे कि इसके नोटिफिकेशन कब आ रहा है, इसका फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात है इसकी एग्जाम है 12th लेवल सीटी की और ग्रेजुएशन लेवल सीटी की, वो कब होने जा रही है। तो उसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों बता देते हैं कि इसमें तीन बड़े बदलाव है वो क्या किए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनसे ये बोला गया था कि आप जो वैकेंसी निकाल रहे हो ये निकाल रहे हो 800 पदों पर, 1000 पदों पर, और कितने बच्चे ले रहे हो, 15 गुना बच्चे ले रहे हो, तो 15 गुना को बढ़ाकर 25 गुना किया जाए। न्यूज़पेपर में आपने सबने पढ़ भी ली होगी। तो उन्होंने ये बोला था कि वर्तमान में जो भर्ती चल रही है इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि पहले हम इसका नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं और नोटिफिकेशन में बदलाव कर चुके हैं, तो इनमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। लेकिन जो अब दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा 2024 के अंदर सीईटी का, इसमें तीन बड़े बदलाव होने निश्चित है। वो तीन बड़े बदलाव क्या है एक एक मैं आपको समझा देता हूं। पहला बड़ा बदलाव किया गया है वो बदलाव यह है कि पहले 15 गुना को लेते थे, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आएगा इसके अंदर ये आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कि अब दोस्तों 25 गुना या फिर दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया कर दिया जाएगा कि जिसके भी सीटी के अंदर 40% नंबर बन रहे हैं उन सभी बच्चों को इन एग्जामों के अंदर वो शामिल किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जितनी वैकेंसी आएगी उनके 15 गुना को शामिल किया जाता था, लेकिन अब दोस्तों जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया जाएगा कि या तो 25 गुना बच्चों को शामिल किया जाएगा या फिर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा 40% का, कि जिनके भी 40% नंबर बन रहे हैं वो आने वाली जो भी भर्ती है सीटी के अंदर उन सभी भर्तियों में शामिल होने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा दोस्तों अपडेट है, यह अपडेट आपको जो सीटी का नोटिफिकेशन आ रहा है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो बड़ा बदलाव है वो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे बड़ा बदलाव है कि पहले जो राजस्थान पुलिस के जो आरएसी की भर्ती होती थी उसको सीटी में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन दोस्तों अब से तो इस नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ मिल जाएगा कि जो आरएसी की भर्ती है दोस्तों जो पहले 10वीं पास थी जिसको बढ़ाकर 12वीं पास कर दिया, इसको भी 12th लेवल सीटी के अंदर है वो शामिल कर लिया गया है। तो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि जो अभी आरएसी की भर्ती थी पुलिस की इसको भी सीटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब दोस्तों आपको सीटी के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे जब वैकेंसी आएगी, यदि आप इसमें 25 गुणे या 40% नंबर लेके आ रहे हो तो आपको आरएसी के अंदर एग्जाम के अंदर शामिल किया जाएगा, और यदि आप 40% से नीचे नंबर लेके आ रहे हो या 25 गुणा में शामिल नहीं हो रहे हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दो बड़े बदलाव मैंने आपको बता दिया है, पहला है 25 गुणा या 40% पासिंग का क्राइटेरिया, दूसरे नंबर पे आरएसी की भर्ती है इसको भी है वो सीटी के अंदर शामिल कर लिया है। तीसरा बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों सिलेबस में अपडेट। आपको पता होगा दोस्तों सीटी का जो सिलेबस है वो एक आरएएस की भर्ती है उससे भी ज्यादा सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, एसआई से भी ज्यादा है, आप यूपीएससी की भी तैयारी करोगे तो उससे भी ज्यादा सिलेबस रख दिया सीटी के अंदर। दोस्तों संस्कृत को छोड़कर लगभग सभी सब्जेक्ट है वो सीटी के अंदर आने वाले हैं, जिसमें आपकी मैथ हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पॉलिटी, भाई रीजनिंग विजनिंग सब कुछ है इस सिलेबस के अंदर। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि जो आरएसी की भर्ती है, जो पुलिस की भर्ती है वो 12वीं पास निकलती थी दोस्तों, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, इनको पर इतना बड़ा लोड नहीं पड़ सके, तो अब आपको सिलेबस के अंदर है वो भी अपडेट देखने को मिल सकता है। सिलेबस में दोस्तों थोड़ा सा बदलाव है वो देखने को मिल सकता है, या आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर बता दिया जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जो आपका सिलेबस है इसके अंदर भी बदलाव किया जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों करना चाहिए, इतना तगड़ा सिलेबस दोस्तों 2 महीने में कैसे कवर हो, तो कहीं ना कहीं उनको सिलेबस में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो तीन बड़े अपडेट थे दोस्तों, ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अपडेट थे, बहुत बड़े अपडेट थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब नंबर आता है कि सीटी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके जो सीटी के फॉर्म है 4 जून को आपके लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आचार संहिता हट जाएगी, तो 5 जून के बाद में कभी भी आपके सीटी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे,
कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो वापस बोल रहा हूं, 5 जून के बाद में कभी भी आपके सीटी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जून के महीने में 100% आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सितंबर में आपको पता होगा दोस्तों एग्जाम है, तो उनको एग्जाम सेंटर भी दोस्तों चूज करने होते हैं, एडमिट कार्ड भी बनाने होते हैं, इसके अलावा दोस्तों खापर एग्जाम देना है, सब कुछ दोस्तों देखना पड़ता है। तो आपके जो फॉर्म है वो 5 जून के बाद में कभी भी स्टार्ट है वो हो सकता है। जैसे नोटिफिकेशन आता है, जैसे फॉर्म की डेट आती है, सबसे पहले इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला नंबर आता है इसके एग्जाम कब लगेगी। एग्जाम डेट इसकी पहले ही जारी कर दी गई थी, आपको सबको पता होगा 12th लेवल सीटी की एग्जाम अक्टूबर में लगेगी। आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल सीटी है इसकी एग्जाम सितंबर के महीने में लगने वाली है। ये एग्जाम डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही जारी कर दी थी। तो ये आपके सामने दोस्तों अपडेट थे, वो मैंने आपके सामने रख दिया, 3 बड़े अपडेट थे। फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ज्यादातर कमेंट आ रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम कब होने वाली है, अब आपका काम है दोस्तों तैयारी करना, पढ़ाई करना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्तों के साथी से शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।